खबर जबलपुर से, शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं जिला कलेक्टर भरत यादव के नाम ज्ञापन एडीएम संदीप साहब को सौंपा, जिसमें शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे संक्रमित वैश्विक महामारी के इस संकट काल में, जहां आम जनता बचाव में लॉकडाउन जैसे शासकीय आदेशों का गंभीरता से पालन करते हुए लगभग 2 माह से अपने घरों में कैद है, आय का कोई जरिया नहीं, ऐसे आर्थिक संकट की घड़ी में शासन प्रशासन जनहित में निर्णय लेकर हमारे द्वारा उठाई जा रही निम्न मांगों को पूर्ण करें। आम जनता को बिजली का बिल माफ कर राहत दिलाएं। निजी स्कूल अभिभावकों को फीस के लिए परेशान ना करें। इस समय मध्यम वर्गीय परिवार को राशन वितरण में विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब सब्जी ठेले वालों को शासकीय आदेश के नाम पर प्रताड़ित ना किया जाए। निजी फैक्ट्री उद्योग या अन्य व्यवसायियों को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया जाए। जिले में अवैध शराब की बिक्री में बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए। चिकित्सीय संबंधी कार्य करने वालों को छूट दी जाए तथा दवाइयों के दामों में भी जनता को राहत प्रदान करें। छोटे मोटे व्यापारियों को 3 घंटे की दुकान खोलने की अनुमति सशर्त प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में पंडित कन्हैया तिवारी प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बारी, रविंद्र पाल चड्ढा जिला आईटी सेल प्रभारी, संजय पैगवार प्रतिनिधिमंडल के रूप में उपस्थित थे। एडीएम संदीप जी ने ज्ञापन पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। आज शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसका प्रमुख विषय था कि इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट काल में, जहां आम आदमी 2 महीने से अपने घरों में कैद है, उसे उसके आय का कोई जरिया नहीं है, ऐसे समय में उसके बिजली का बिल माफ कर उसे राहत पहुंचाई जाए। निजी स्कूलों द्वारा अभी कुछ दिनों से अभिभावकों को फ़ोन करके फीस जमा करने का दबाव बनवाया जा रहा है, जिसके कारण अभिभावक भी परेशान है और उनके पास क्योंकि आर्थिक संकट है, इसीलिए वे फीस जमा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि स्कूलों की फीस जो है वो माफ़ की जाए। तीसरा, कि आदेश के नाम पर जो सब्जी वालों को या गरीब ठेले वालों के साथ मारपीट की जा रही है, उनकी सब्जी पलटा दी जा रही है, फेंक दी जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसे कार्य की हम भर्त्सना करते हैं और चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई कर ऐसे आम सब्जी वालों को राहत पहुँचाई जाए। साथ ही साथ मध्यम वर्गीय परिवार को राशन के वितरण में जो विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे बेचारे राशन लेने जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या बता करके वापस कर दिया जाता है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब सार्वजनिक तौर से समाचार पत्र में प्रकाशित हो कि सभी परिवारों को कितना राशन या कौन कौन सा अनाज दिया जा रहा है, जिससे उसे जानकारी लगे और वे जाकर के सुविधा का लाभ उठा सकें। और अवैध शराब बिक्री जिले में बहुत जोरों से हो रही है, उसको भी बंद करने की मांग हम शिवसैनिकों द्वारा की गई है। शुभ नाम कन्हैया तिवारी प्रदेश प्रवक्ता। आज शिवसेना प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अडिशनल कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि शहर में कोरोना वायरस जैसी देश में विकट समस्या है, इसके तहत लोग काफ़ी परेशान हैं। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करा के झूठी पढ़ाई करा कर उनसे फीस वसूली का जो फ़ोन में मैसेज कर करके अभिभावकों को परेशान किया जा रहा, उसको निजात दिलाने के लिए मांग की है। और शहर में धड़ल्ले से शराब दुकान ना खुलने के कारण अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, इसमें पुलिस प्रशासन पूरा मौन है। इससे हमने मांग की तत्काल वो की जाए और हमारे आबकारी विभाग के जो आयुक्त साहब हैं वो भी बिल्कुल कुंभकर्ण निंदनी में सो रहे हैं। इनको जगाने के लिए हमने उन्हें एक उनसे मांग की मुख्यमंत्री से, इनको हटाया जाए, काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं जी, इनको यहाँ से हटाया जाए, जो कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैंगे और आने वाले समय में इस तरीके का जो रोकथाम नहीं करते हैं। और मध्यम परिवार के लोग को भोजन का समस्या गुणवत्ताहीन गेहूं और चावल दिया जा रहा है, कि चावल गेहूं खा के कोई जीवित रह सकता है क्या? उनकी और भी ज़रूरत की चीज़ें, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम तेल नमक और ये चीज़ें सामग्री देंगे, मगर नहीं वितरित की जा रही हैं। हमारी मांग है शीघ्र कार्रवाई की जाए और गरीबों को साथ न्याय दिया जाए। नाम शैलेंद्र बारी, स्टेशन जबलपुर। खबर भारतवर्ष के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।